देखा बोर्ड? हाँ ढंग से देखा ढंग से। प्लास्टिक को जड़ से हटाना है, प्लास्टिक को ना कहें, कपड़े के थैले को हाँ कहें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, प्लास्टिक मुक्त बनाना है, प्लास्टिक हटाओ बीमारी भगाओ, पर्यावरण को बचाना है पर्यावरण बचाओ, प्लास्टिक के खिलाफ एक मिशन स्वच्छ ही सेवा, स्वच्छ अजमेर बनाना है, हर घर से प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक हटाओ बीमारी भगाओ, पर्यावरण को बचाना है प्लास्टिक को स्वच्छ हटाना है, प्लास्टिक को ना करें आज ये रैली निकाली जा रही है नगर निगम से और ये जाएगी अभी नया बाजार होते हुए चूड़ी मार्केट होते हुए गांधी भवन पे। इसका ये हम संदेश देना चाहते हैं कि प्लास्टिक जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि हानिकारक है, ये भीड़ भरा बाजार है, इसमें थैले वाले भी लगते हैं, आम जन भी रहता है, परचेजिंग भी इसमें ज़्यादा होती है क्षेत्र के अंदर। हमारा यही उद्देश्य है कि लोगों में इस बात की जागरूकता है। सब आदमी कहता है कि प्लास्टिक ख़राब है और फिर इसका यूज क्यों करता है, तो निश्चित रूप से हम यही जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि जिस चीज़ को आप ख़राब मानते हो, जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका कृपया उपयोग ना करें। और इसके लिए नियम कायदे कानून तो सब बन रहे हैं, किंतु स्वयं प्रेरणा से अगर वो जागरूक होगा तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि सब एक साथ हाथ मिलाएंगे, हाथ आगे बढ़ाएंगे, कदम साथ मिलाएंगे, साथ चलेंगे, तो निश्चित रूप से मान के चलेंगे कि हम अजमेर शहर प्लास्टिक मुक्त होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से ये सतत चलने वाला अभियान है। हमारा ये भी निवेदन है कि हमने जिला प्रशासन से भी इस बात के लिए कहा है कि जो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं इस पर रोक लगाई जाए। कारण क्या है कि बड़ी फैक्ट्रियों से जब ये माल निकल के आता है तो टुकड़ों टुकड़ों में आ जाता है, थैले वाले के यहाँ पे 100 ग्राम मिलेगा, कोई 150 ग्राम मिलेगा, तो जितनी शक्ति और वो ताकत हमारी छोटे छोटे माल को बटोरने में लगती है, इससे तो वो जहाँ से फैक्ट्री उत्पाद हो रहा है उस उत्पाद को रोका जाए तो निश्चित रूप से सबको काम में सफलता भी मिलेगी और हम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल, अभी शपथ भी हम गांधी भवन पर जब ये रैली पूरी होगी तब शपथ भी लेंगे।